नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं दो ऐसे कंपनी के बारे में डिस्कशन करूंगा, दोनों के दोनों ही स्मॉल कैप टाइप है और दोनों ही कंपनीज का हाई ग्रोथ होने का चांसेस है। अभी ऐसे में क्यों बता रहा हूँ, मैं आपको कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके डेटा के आधार के हिसाब से आपको सारे पॉइंट डिस्कशन करूंगा। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, और टेलीग्राम को भी ज्वाइन नहीं किया तो वो भी कर सकते हैं। सारे अपडेट्स सबसे पहले आपको वहां पे मिल जाएगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं कंपनी का कैटेगरी कौन सा है। देखिए, कंपनी की कैटेगरी है स्मॉल कैप टाइप। एक डेटा मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ, एक मनी कंट्रोल वेबसाइट के माध्यम से इस डेटा को पब्लिश किया गया। देखिए, 2021 से 2022 का डेटा है। यहाँ पे बताया गया कि अलग अलग कैटेगरी में कौन सा स्टॉक में सबसे ज्यादा फायदा दिया। देखिए, लार्ज कैप यहाँ पे जो ऑरेंज कलर का है, यहाँ पे लार्ज कैप मतलब 17% के आसपास एवरेज रिटर्न दिया साल भर में, और फिक्सेबल जो कैप है 18% के आसपास, लार्ज एंड मिड कैप टाइप जो कंपनी है उसमें 20% के आसपास, मिड कैप टाइप कंपनी में 22% और मल्टी कैप के 23%, और देखिए स्मॉल कैप में कितना 35%। तो एक बात आप याद रखना, अगर आपको मल्टी वगैरह रिटर्न पाना है तो आपको स्मॉल कैप टाइप कंपनी को ही ढूंढना होगा। तो क्योंकि देखिए, यहाँ पे रिस्क भी ज्यादा है और रिटर्न मिलने का कैपेबिलिटी भी ज्यादा है। जैसे आपको मैं और एक डेटा दिखा दूं और भी आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे 2011 से लेकर 2021 तक ये जो जर्नी देखने को मिला, अभी देखिए इन्वेस्टमेंट यहाँ पे दिखा रहा है, टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट मतलब जो यहाँ पे ब्लू कलर में आपको दिखा रहा है वो आपको इन्वेस्टमेंट दिखा रहा है, मतलब आपका इन्वेस्टमेंट इस तरीके से बढ़े। तो उसके बाद मतलब देखिए, 5 लाख से 10 लाख तक आपका इन्वेस्टमेंट बढ़े, और वही पैसा आपका मतलब एसआईपी के मूड में अगर स्मॉल कैप टाइप कंपनी के ऊपर निवेश करते तो देखिए कितना होता, 10 लाख का इन्वेस्टमेंट वो बढ़ के हो जाता करीबन 47 लाख के आसपास। तो सोचिए, इन्वेस्टमेंट था 12 लाख और टोटल आपका जो निफ्टी स्मॉल कैप जो फंड था, ईटीएफ फंड, वो आपको रिटर्न दिया 31 लाख, और अगर स्मॉल कैप टाइप कंपनी के ऊपर निवेश करते तो बन जाता 47 लाख। तो सोचिए, 12 लाख के फंड हो जाता 47 लाख, तो ऑलमोस्ट 3 गुना से भी ज्यादा, तो मेरे हिसाब से सॉरी 4 गुना से भी ज्यादा। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे मैं इस सारे चीज को इसीलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि देखिए, स्मॉल कैप टाइप के अगर आपने सही कंपनी को चूज कर लिया और सही टाइम में चूज किया तो आपको अच्छा खासा एक मल्टी बेगर रिटर्न मिल सकते हैं। तो आज उसी से जुड़े हुए दो कंपनीज के बारे में डिस्कशन करूंगा। ये दोनों कंपनी मेरे हिसाब से एक प्लस पॉइंट के हिसाब से आपको देखना चाहिए। सारे पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तो उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना। तो सबसे पहले जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूं, उसका नाम आप देखेंगे, उसका नाम है मोल्टेक लिमिटेड। तो मोल्टेक पैकेजिंग लिमिटेड, तो इस कंपनी का काम क्या है, सबसे पहले मैं बता दूं, कंपनी जितने सारे मतलब बॉक्स होते हैं, जितने सारे कंटेनर होते हैं, और इसी तरीके से प्रोडक्ट को बनाते हैं। मतलब मान के चलिए, पेन का डब्बा हो, आइसक्रीम का डब्बा हो, ऑयल का डब्बा हो, इस तरीके से प्रोडक्ट के ऊपर वो काम करते हैं। देखिए, पेन का डब्बा जिसमें एशियन पेंट, बर्जर पेंट, डिलक्स पेंट, नैरोलैक, हर कैटेगरीज का पेन का डब्बा कंपनी बनाते हैं, मतलब हर अलग अलग कंपनीज का पेन का डब्बा बनाते हैं। उसके साथ साथ आप देखेंगे जो लुब्रिकेंट ऑयल है, तो वो भी देखिए गल्फ जैसे, कैस्ट्रोल जैसे, इस तरीके से कंपनी का भी डब्बा यही कंपनी बनाते हैं। तो कंपनी में कितना स्ट्रेंथ है आप यहाँ पे देख सकते हैं। अभी मेन मुद्दे पे चले आते हैं कि कंपनी का बिजनेस कितना स्ट्रांग है। देखिए, आपको यहाँ पे तो दिख रहा है कि जो आइसक्रीम का डब्बा है, साथ ही साथ जो पेन का डब्बा है, जो बटर खाने पीने का डब्बा है, इस तरीके से डब्बा वो बनाते हैं। तो अलग अलग कैटेगरीज के डब्बा वो बनाते हैं। तो चलो अभी मेन पॉइंट्स में चले जाते हैं। देखिए, मैं पहले बोल चुका हूँ, कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो एक्चुअली फूड पैकेजिंग जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर काम करते हैं। मतलब जो प्लास्टिक, जो मतलब प्लास्टिक जो डब्बे होते हैं, तो उसी तरीके से डब्बों को वो बनाते हैं। साथ ही साथ डब्बों बनाने के बाद पेन के ऊपर, उसके ऊपर जो जो स्टिकर वगैरह लगाए जाते हैं वो भी इसी कंपनी बनाते हैं। तो कंपनीज की जो खासियत है वो मैं आपको बता दूं। तो देखिए, आइसक्रीम जैसे अमूल जैसे कंपनी, साथ ही साथ मतलब बटर जैसे कंपनी, इस तरीके से प्रोडक्ट के डब्बा जो है कंपनी बनाते हैं। तो
कंपनी के जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पे वो कौन सा कस्टमर को बेचते हैं वो ध्यान से देखना। इससे कस्टमर बेस देखकर ही आपको पता चल जाएगा कि कंपनी में कितना स्टेबिलिटी है। आप देखेंगे कंपनी के आईटीसी जैसे कंपनी है, पीएनजी, साथ ही साथ मतलब चॉकलेट जो है वो कंपनी, साथ ही साथ हिमालया, अमूल, नेस्ले और एमटीआर, हिंदुस्तान यूनिलीवर, डाबर, तो इस तरीके से देखिए पेप्सी जैसे कंपनी, लिटिल हार्ट जैसे कंपनी, तो मतलब सारे के सारे ब्रिटानिया से लेकर पार्ले जी से लेकर मतलब मिल्क के जितने सारे कंपनी से अमूल है, उसके साथ पेंट सेक्टर में नैरोलैक, एशियन पेंट, बर्जर पेंट, तो इस तरीके से बड़े दिग्गज कंपनी इसके कस्टमर है। और उसके साथ देखिए इमामी भी है, उसके साथ आप देखेंगे तो सेल भी है, गोल्फ भी है, कैस्ट्रोल है, बीपी है, और देखिए इंडियन ऑयल है, भारत पेट्रोलियम है, एचपी है, रिलायंस है। इसका मतलब हर कैटेगरीज कंपनी इसका कस्टमर है। तो कस्टमर बेस को देखकर ही आपको पता चल गया कि कंपनी में कितना स्टेबिलिटी है। देखिए कुछ भी हो, अगर मार्केट में कोई भी चीज आ जाए, कोई भी अलग अलग कंपनी इसका प्रोडक्ट लेके आए, तो उसको बेचने के लिए पैकेजिंग का तो जरूरत होगा ही, डब्बे का तो जरूरत होगा ही। तो इस तरीके से कंपनी का ग्रोथ ज्यादा होने वाला है, क्योंकि कंपनी वही कस्टमर को एक्वायर करके रखे हैं जो मार्केट में लीडर है और जो मार्केट में अभी धीरे धीरे करके ग्रोथ कर रहा है। एक स्ट्रॉन्गली कस्टमर बेस है इस कंपनी का। और कंपनी ये भी बता रहा है कि फाइनेंशियल ईयर में Q1 में कंपनी 23 न्यू कस्टमर को ऐड कर चुके हैं, और वो भी फूड एंड एफएमसीजी कस्टमर। और देखिए कंपनी के जो टोटल डिजाइन है, डिजाइन जो प्रोडक्ट है, 646 के टोटल आसपास डिजाइन है, और न्यू जो डिजाइन कंपनी कर चुके हैं इसी साल में 284। इसका मतलब कंपनी बिजनेस को अलग लेवल में वो मेंटेन कर रहा है। तो कंपनी का नाम तो आप देख चुके हैं, कंपनी का नाम है मोलटेक पैकेजिंग लिमिटेड। इस कंपनी बहुत छोटा है, करीबन 3,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है, बहुत ज्यादा हाई पोटेंशियल भी है। कैसे आप देखेंगे तो आरओसी आरओई बेस्ड है, पी रेशियो भी एक रीजनेबल प्राइस में है। एक बार मैं पी रेशियो का आपको चेक भी करा देता हूँ, आप देखेंगे पी रेशियो एक टाइम चला गया था करीबन 79 के आसपास, और वहां से गिर के आ चुके हैं 40 के आसपास। इसका मतलब पी रेशियो अभी अंडर वैल्यूड में है। और कंपनी के देखिए डेप्थ एकदम जीरो है, इनकम भी कंपनी कर रहा है, कंपनी के हाथ में कैश भी है, अर्निंग पे सर्विस ठीक है, कंपनी के इंटरेस्ट कवरेज भी एवरेज के ऊपर है, रिटर्न ऑफ एसेट भी शानदार है, आरओसी ये भी शानदार देखने को मिला, इबिट्टा मार्जिन भी बेस्ट है। और सबसे बेस्ट मुझे लगा कंपनी का क्विक रेशियो भी ठीक ठाक है, और क्वार्टरली जो रिजल्ट है वो आप देखेंगे कंटिन्यूसली कंपनी सेल्स को अलग लेवल में इंक्रीज किया, एक्सपेंस को भी मेंटेन किए, उसके बाद देखिए कंपनी हाईएस्ट प्रॉफिट भी जनरेट किया, कंटिन्यूसली कंपनी प्रॉफिट को एक रेंज में रखा। अगर यही चीज को मैं साल भर की दिखा दूं तो ध्यान से देखना कंपनी के साल भर में देखिए इस बार कंपनी हाईएस्ट सेल्स जनरेट किया और एक्सपेंस को भी कंट्रोल में रखे, इसीलिए कंपनी का हाईएस्ट प्रॉफिट भी जनरेट हुआ। देखिए 10 साल पीछे सिर्फ 9 करोड़ का प्रॉफिट हुआ करता था, और आज वो 80 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। इसका मतलब 10 टाइम्स प्रॉफिट कंपनी बढ़ा चुके हैं। तो उसके साथ साथ कंपनी का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, रिटर्न ऑफ इक्विटी सब कुछ बेस्ट है, और कंपनी आपको धमाका रिटर्न दिया, एवरेजली आपको 40% के आसपास रिटर्न जनरेट करके दिए। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर सही कंपनी, सही स्मॉल कैप टाइप कंपनी को आप ढूंढ पाए तो वहाँ पे आपको मल्टीपल रिटर्न जरूर कमा के देंगे। तो देखिए रेवेन्यूज के बारे में बात करूँ तो रेवेन्यूज कंटिन्यूसली बढ़ते गए, रिजर्व मतलब बोरिंग्स भी कम है, और कंपनी के देखिए फिक्स एसेट भी लगातार बढ़ते गए। इस बार कंपनी का हाईएस्ट फिक्स एसेट देखा, और कंपनी CWIP में 17 करोड़ के आसपास पैसा लगा के रखे हैं। तो अपकमिंग कुछ टाइम में कंपनी को कितना प्रोजेक्ट मिला, करीबन 123 करोड़ के आसपास प्रोजेक्ट मिला है। तो ओवरऑल इस कंपनी का जो रेवेन्यूज का ग्रोथ है वो किस तरीके से हुआ आप देख सकते हैं, और प्रॉफिट का जो ग्रोथ है वो भी देखिए शानदार तरीके से हुआ, सिर्फ कोविड के टाइम में करेक्शन हुआ था, और नेटवर्क जो है वो भी देखिए लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। अगर यही चीज को मैं एज ए इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो प्रोमोटर के पास भी होल्डिंग्स है, रिटेल पब्लिक के पास सबसे ज्यादा होल्डिंग्स है, फॉरेन इन्वेस्टर के पास भी है, उसके साथ साथ और भी अलग अलग कैटेगरीज के जैसे म्यूचुअल फंड के पास 17% के आसपास होल्डिंग है। इसका मतलब हर कोई इंस्टीट्यूशन इसके ऊपर, इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे है। अब इसका चार्ट पैटर्न देखा दू तो कंपनी स्टार्ट हुआ था अराउंड अराउंड 2015 में, उसके बाद देखिए कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं हुआ, कोविड के टाइम वही रेंज में था जो प्रीवियस मतलब स्टार्टिंग पीरियड था, उसके बाद देखिए धमाका कंपनी रिटर्न दिया कोविड के बाद। तो कोविड से लेकर अगर मैं टॉप लेवल तक देखूं तो ऑलमोस्ट 700% के आसपास कंपनी रिटर्न जनरेट करके दिया। 700% का मतलब है 7 टाइम्स रिटर्न।
तो मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर एज ए लॉन्ग टर्म के लिए जरूर सोचिए। कंपनी में पोटेंशियल है, दम भी है और रिस्की कंपनी है। मैं ये बात आपको हमेशा कहूंगा कि स्मॉल कैप टाइप कंपनी के ऊपर निवेश करना आप चाहते हैं तो आपको रिस्क को मैनेज करना होगा। आपका रिस्क का मैनेज आप कर पाएंगे तो ही उस कंपनी के ऊपर पैसा बनेगा। तो आपके क्या राय इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट लिमिटेड। तो गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट लिमिटेड जो एक एडेबल ऑयल के मैन्युफैक्चरिंग के कंपनी है, एडेबल ऑयल, सोया ऑयल इस तरीके से प्रोडक्ट के ऊपर काम करते हैं। ठीक है, कंपनी के जो प्रोडक्ट है मैं प्रोडक्ट के ऊपर ही आ चुका हूँ। ठीक है, सोया प्रोडक्ट है, साथ ही साथ आप देखेंगे तो अलग अलग कैटेगरीज के प्रोडक्ट है। एडेबल ऑयल्स का भी बिजनेस है, साथ ही साथ फीड का भी बिजनेस है। तो कंपनी सोयाबीन और उसके साथ साथ सोया का जो ऑयल्स है और साथ ही साथ एडेबल जो ऑयल्स है इस तरीके से प्रोडक्ट को वो बनाते हैं। तो कंपनी के अगर वेबसाइट को विजिट करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से डेटा देखने को मिलेगा कि कंपनी के जो प्रोडक्ट है वो किस किस मतलब प्रोडक्ट से वो बनते हैं। देखिए, एडिबल ऑयल्स, साथ ही साथ चॉकलेट वगैरह जो बनाए जाते हैं उसके लिए जो इंग्रेडिएंट का जरूरत है वो भी कंपनी बनाते हैं। साथ ही साथ कॉटन का भी बिजनेस कंपनी करते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग कैटेगरीज के कंपनी प्रोडक्ट को बनाते हैं। तो कंपनीज के जो फैक्ट्रीज है वो गुजरात में है और कंपनी किस तरीके से काम कर रहे हैं चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले कंपनी का परफॉर्मेंस आपको दिखा दूं तो कंपनी करीबन 8,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है, मतलब एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है। कंपनी का आरओसी, आरओई तो बेस लेवल में है, मतलब एक एवरेज के आसपास है। कंपनी का पी रेशियो 27 के आसपास है और कंपनी के इंडस्ट्रीज पी रेशियो 29 के आसपास है। इसका मतलब कंपनी अंडर वैल्यूड के हिसाब से आपको देखना चाहिए। अभी देखना है कंपनी का पी रेशियो प्रीवियस कहाँ पे था। देखिए, प्रीवियस डेटा के हिसाब से देखा है तो कंपनी का पी रेशियो एवरेज पी रेशियो 12 के आसपास देखने को मिला। इसका मतलब कंपनी थोड़ा सा खुद के हिसाब से दिखा है तो ओवर वैल्यूड है। अगर मैं सेक्टर वाइज देखूँ तो कंपनी अंडर वैल्यूड है। तो ये दोनों चीज को आपको ऑब्वियसली कंपेयर करना होगा। और कंपनी का डेप जीरो है, इनकम शानदार है, हाथ में कैश भी अच्छा खासा है, प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी अच्छा है। और कंपनी की रही बात डेटोस डे का तो कंपनी का 20 दिन लग रहा है। अभी डेटोस डे क्या होते हैं मैं आपको अभी दिखाऊंगा, उससे पहले इंटरेस्ट कवरेज देख लीजिए, बहुत शानदार है। रिटर्न ऑफ एसेट एवरेज के नीचे है, आरओसी 3 साल में बेस्ट है, इबिट्टा मार्जिन भी एवरेज के आसपास है। अभी डेटोस डे क्या होते हैं वो मैं आपको बता दूं। आप यहाँ पे जाएंगे रेशियो में, रेशियो में आपको एक चीज दिखेगा वो है कैश कन्वर्जन साइकिल्स। इसका मतलब क्या है, कंपनी जितने पैसे बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है वो मतलब कंपनी को कितने दिनों में वो पैसा वापस मिल रहा है, मतलब कितने दिनों में घूम फिर कर वो पैसा वापस आ रहा है। उसका टाइम पीरियड है 75 डेज। तो पहले 88 डेज लग रहा था, अभी वो कम होकर 75 डेज हो गया। इसका मतलब ऑलमोस्ट 2.5 मंथ के आसपास देखने को मिला है। 2.5 मंथ के बाद कंपनी के हाथ में पैसा आ रहा है। तो कोई बात नहीं, किस कुछ बिजनेस में इस तरीके से चलते रहते हैं। तो रही बात कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस का, तो साल भर की बात करें तो कंपनी कंटिन्यूसली सेल्स को इंक्रीज करते गया। इस बार कंपनी हाइस्ट सेल्स किए, एक्सपेंस को भी कंपनी मेंटेन किए और उसके बाद कंपनी नेट प्रॉफिट अलग लेवल में जनरेट किया। जैसे कंपनी के 50 करोड़ से बढ़ के धीरे 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 करके बढ़ते आज कंपनी के 350 करोड़ के आसपास देखने को मिला और कंपनी के अच्छा खासा नेट प्रॉफिट भी देखने को मिला। सेल्स ग्रोथ तो उतना खास नहीं है, प्रॉफिट मतलब कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ, सीएजीआर का परसेंटेज और रिटर्न ऑफ इक्विटी बहुत शानदार है। कंपनी एवरेजली जो आपको रिटर्न दिया ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं 30% के ऊपर। तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ स्मॉल कैप टाइप मिड कैप टाइप कंपनी के ऊपर निवेश करने का यही फायदा है कि जब जब मार्केट करेक्शन होते हैं तब तब जब स्मॉल कैप मिड कैप टाइप भागना स्टार्ट करते हैं तो उसको मतलब रोका नहीं जा सकता, इस तरीके से वो भागते रहते हैं। रही बात कंपनीज के ऊपर कुछ अपडेट्स का, तो मैं आपको इस कंपनी का जो डेटा है वो मैं आपको दिखा दूं। ध्यान से देखना, यहाँ पे कंपनी का जो रेवेन्यूज है वो हर साल में एक रेंज में कंपनी कंटिन्यू कर रहा है। प्रॉफिट भी कंपनी अच्छा खासा कर रहा है, कंपनी का प्रॉफिट और भी ज्यादा था, 116 करोड़ के आसपास था, 115 करोड़, थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन हुआ, कोई बात नहीं, कंपनी कंटिन्यू मेंटेन कर रहे हैं और नेटवर्क भी बढ़ते जा रहा है। रही बात कंपनी के जो इन्वेस्टर के बारे में बात करूं तो देखेंगे तो प्रोमोटर के पास सबसे ज्यादा होल्डिंग है 63%, रिटेल पब्लिक के पास भी होल्डिंग्स है और फॉरेन इन्वेस्टर के पास भी छोटा मोटा होल्डिंग्स है, म्यूचुअल फंड के पास एकदम ना के बराबर होल्डिंग है। और रही बात कंपनी के चार्ट पैटर्न का, तो देखिए कंपनी जब से स्टार्ट हुआ, कंपनी का स्टार्टिंग पीरियड कब है आप देखेंगे, बहुत पीछे चले जाएंगे तो कंपनी बहुत पहले से स्टार्ट हो चुके हैं। कंपनी स्टार्ट हुआ था एटलीस्ट देखा जाए तो 2000 साल में, 2001 में स्टार्ट हुआ था। तब इसका प्राइस कितना था, तब इसका प्राइस करीबन 1 रुपीज के आसपास था। आप कहेंगे सर क्या 1 रुपीज में स्टार्ट हुआ, नहीं,
1 रुपीज में स्टार्ट नहीं हुआ, कंपनी एक्चुअली आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट के हिसाब से स्प्लिट एंड बायबैक दिया। देखिए स्प्लिट कब किया, 2006 में एक बार स्प्लिट किया और दूसरी बार स्प्लिट किया 2020 में, और इसी के चलते ही कंपनी का प्राइस कुछ इस तरीके से देखने को मिला। तो कंपनी उसके बाद देखिए आज कंपनी कहाँ पे है, 370 के आसपास है। तो मैं कोविड के लेवल से भी मैं इसको मार्किंग करूँ तो ऑलमोस्ट कंपनी 800% के आसपास रिटर्न दे दिया। तो आप कहेंगे सर इतना परसेंट तो रिटर्न मिल चुके हैं, क्या और भी ग्रोथ होने का चांसेस है? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल है। कंपनी तो सिर्फ अभी भी 8,000 करोड़ का मार्केट कैप है, तो जब 80,000 करोड़ का मार्केट कैप बनेगा तो सोचिए कंपनी कहाँ से कहाँ तक जाएगा। देखिए मेरा प्रेडिक्शन है, मेरा खुद के एनालिसिस है। आप किसी भी कंपनी के ऊपर काम करना चाहते हैं तो आपके रिस्क के हिसाब से, आपके खुद के स्टडी के हिसाब से करिए। मेरी तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं होता है। मेरा काम है सारे पॉइंट्स आपके साथ शेयर करना, सारे चीजों को आपको दिखाना। बाकी आप समझदार है, समझदारी से काम लीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।